लीजिए हाजिर हूँ हर सुबह और हर शाम की तरह लेकर के देश दुनिया की तमाम खबरें। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप कोई भी खबर कभी भी मिस ना करें। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत जल्द आएगी छठी किस्त, कोरोना वायरस का देश में तांडव, कितने लोग हुए पीड़ित और कितनों की अब तक मौत, लॉकडाउन के बीच शराब की दुकानों को लेकर बड़ा फैसला, शर्तों के साथ सभी जोन में खुलेंगी, कंपनी ने बनाई कोरोना की टेस्ट किट, दवा घर बैठे कर लेंगे सैंपल की जांच, इस राज्य में मई के अंत तक जारी रह सकता है लॉकडाउन, उद्धव ठाकरे ने दिए संकेत, लॉकडाउन खुलने के बाद स्कूल में लागू हो सकता है ऑड इवन। तो चलिए एक नजर डालते हैं 8 मई की तमाम खबरों पर। देश में 24 घंटे में कोरोना वायरस के 103 लोगों की मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट के अनुसार भारत में कोरोना मरीजों की संख्या अब 56,342 हो गई। 24 घंटों में 3,300 से ज्यादा नए केस सामने आए, ये आंकड़ा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत करीब 39 करोड़ लाभार्थियों को डिजिटल भुगतान प्रणाली की मदद से 5 मई तक 34,800 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराएगी। महिला जनधन खाता धारकों के खाते में 500-500 रुपए दिए जाने के आदेश। कोरोना संकट की इस घड़ी में अब किसानों को आर्थिक मदद मिलेगी। झारखंड सरकार किसानों को सहयोग राशि के रूप में 10,000 रुपए देने जा रही है। राज्य में करीब 35 लाख किसानों को इसका लाभ मिलेगा। इसके साथ छूटे हुए सभी दूध उत्पादकों से भी दूध सरकार खरीदने वाली है। किसानों को पीएम किसान योजना की छठी किस्त जल्द ही इस महीने यानी कि मई के पहले हफ्ते में मिल जाएगी। सरकार ये पैसा सीधे उनके खाते में ट्रांसफर करेगी। लॉकडाउन के चलते प्रधान किसान योजना की मदद राशि लगातार 3 महीने किसान के बैंक खाते में दी जा रही है। लॉकडाउन के दौरान रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन में शराब की दुकानों को खोला जा सकेगा। हालांकि सरकार ने इसके लिए कुछ शर्त रखी है। रेड जोन के लिए विशेष शर्त रखी गई है, पान की दुकान भी खोलने की इजाजत है। लॉकडाउन के बीच शराब की दुकानों पर उमड़ी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए दिल्ली सरकार ने नया रास्ता निकाला है। अब दिल्ली में लोग ऑनलाइन टोकन लेकर भी अपना समय निश्चित करवा कर शराब खरीद सकते हैं। सरकार ने यह सिस्टम शराब की दुकानों पर लगी भीड़ को कम करने के लिए किया है। राजस्थान सरकार लॉकडाउन में बेरोजगार हुए मजदूरों को पानी, बिजली और सिंचाई के प्रोजेक्ट्स में नरेगा के जरिए रोजगार देने की संभावनाओं पर विचार कर रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जलदाय और बिजली की समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को इसके लिए संभावनाएं तलाशने के निर्देश दिए हैं। कोरोना वायरस यौन संबंध यानी कि सेक्सुअल रिलेशन से नहीं फैलता है, लेकिन अब चीन के शोधकर्ताओं ने पता लगाया है कि अगर कोई कोरोना वायरस से संक्रमित मर्द किसी के साथ सेक्स करता है तो उसे भी कोरोना संक्रमण हो सकता है, क्योंकि कुछ कोरोना संक्रमित मर्दों के वीर्य में कोरोना वायरस मिला है। मजदूरों के पलायन पर राहुल गांधी ने कहा कि सरकार को न्याय योजना को लागू करना चाहिए। सभी परिवारों के खाते में पैसे डालने शुरू कीजिए, सिर्फ 65,000 करोड़ रुपए खर्च आएंगे, इसके बाद लोगों की सोच में बदलाव आएगा। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में जहरीली गैस लीक के बाद लोग डर गए हैं। दोबारा गैस लीक की अफवाहों के कारण कई लोगों ने अपनी रात आग के बीच पर गुजारी। सैकड़ों की संख्या में लोग फुटपाथ पर ही सोए नजर आए। वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड WCL ने 300 से ज्यादा पदों पर भर्ती निकाली है। इन पदों पर ग्रेजुएट, अप्रेंटिस और टेक्नीशियन अप्रेंटिस की भर्ती की जाएगी। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 19 मई 2020 तक आवेदन कर सकते हैं। रिलायंस समूह की कंपनी जियो प्लेटफॉर्म्स में अब एक और कंपनी ने हिस्सेदारी खरीदने का सौदा किया। अमेरिका की विस्टी एक्टिविटी पार्टनर्स इसमें 11,367 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। जियो प्लेटफॉर्म्स का इक्विटी के हिसाब से वैल्यूएशन करीब 4.19 लाख करोड़ रुपए का होता है। मरकज प्रमुख मौलाना साद और उसके राजदारों पर दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच लगातार शिकंजा कसती हुई नजर आ रही है। क्राइम ब्रांच मौलाना साद की करीबी दो लोगों के जाकिर नगर इलाके में स्थित घर पहुंची, वहां क्राइम ब्रांच ने इनसे कुछ दस्तावेज के बारे में पूछा। राजस्थान में सरसों और चने की न्यूनतम समर्थन मूल्य की सीमा को 10% बढ़ा दिया गया है। राजस्थान में सरसों और चने की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर चल रही खरीद के बीच किसानों के लिए राहत की खबर। राज्य सरकार ने किसानों को इस खरीद का ज्यादा फायदा देने के लिए 139 खरीद केंद्रों पर रजिस्ट्रेशन की सीमा को 10% बढ़ा दिया। अब हैदराबाद की एक कंपनी ने सबसे सस्ता टेस्ट किट बनाने का दावा किया। साथ ही इस रैपिड किट को लेकर भी ये कहा जा रहा है कि इससे कोई भी खुद अपने घर पर ही कोरोना का टेस्ट कर सकता है। कंपनी के मुताबिक एक किट की कीमत सिर्फ 50 से 100 रुपए है। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली। शोपियां जिले में गुरुवार सुबह मुठभेड़ में 3 आतंकी ढेर हो गए। मुठभेड़ में मारे गए 3 आतंकियों के शव बरामद किए गए हैं। सभी आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के सदस्य थे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सर्वदलीय बैठक में नेताओं से बातचीत के दौरान संकेत दिया कि राज्य के रेड जोन में मई अंत तक लॉकडाउन को बढ़ाया जा सकता है। इसमें विशेष रूप से मुंबई और पुणे महानगरीय क्षेत्र शामिल हैं।
स्कूल कॉलेज को खोलने की प्रक्रिया जुलाई महीने से शुरू किए जाने की संभावना के बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार लॉकडाउन खुलने के बाद स्कूलों में ऑड इवन लागू किया जा सकता है। पंजाब में भारतीय वायुसेना का एक फाइटर प्लेन क्रैश हो गया। नवांशहर जिले के जुहारपुर में शुक्रवार दोपहर में 29 क्रैश हो गया। रात की बात यह है कि पायलट ने प्लेन क्रैश होने से पहले अपनी जान बचा ली। फिलहाल पायलट एमके पांडेट की हालत गंभीर है। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस में हमने सरकार को कुछ सुझाव देने का फैसला किया। राहुल ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि जब छोटे कारोबारियों के लिए राहत पैकेज का ऐलान हो और लॉकडाउन को खोलने की तैयारी की जाए। तो दोस्तों ये रही आज की खास खबरें। तो इसी तरीके से आपके लिए हर सुबह 6 बजे और शाम 7 बजे ये खबरें हम यूं ही लेकर आते रहेंगे। तो इन सारी खबरों के साथ आपको किस खबर के बारे में क्या है कहना, क्या है आपकी राय, प्लीज शेयर कीजिए। साथ ही अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा है तो प्लीज अपना नाम नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिए ताकि हमें पता चले कि आपने इस वीडियो को पूरा देखा है। आपको खबरें अच्छी लग रही हैं, आप इन्हें पसंद कर रहे हैं, प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। अगर अच्छी लग रही हैं तो वो भी बताएं, अगर कोई सजेशन है तो वो भी जरूर बताएं। फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।